नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले डेढ़ वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की 4 वर्ष की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित। प्रधानमंत्री ने मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर में भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित दीर्घा क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली के सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिन के आम महोत्सव का आयोजन किया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने लगातार दूसरी बार एशिया कप प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया और विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने 14 ओवर में 2 विकेट पर 130 रन बनाए। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले डेढ़ वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का निर्देश दिया है। श्री मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधनों की स्थिति की समीक्षा के बाद ये निर्देश दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इस निर्णय से युवाओं में नई आशा और विश्वास जगा है। नए भारत का आधार युवा शक्ति है और प्रधानमंत्री युवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस फैसले से न केवल सरकारी सेवाओं में मानव शक्ति बढ़ेगी बल्कि प्रशासन में कुशलता और कार्य उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री के फैसले के अनुसार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय संबंधित विभागों में अगले डेढ़ वर्ष में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में ये एक और बड़ा कदम है। जो मोदी सरकार 10 लाख नौकरियां 18 महीने में देने वाली किन डिपार्टमेंट से होगा, ये सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में जो पद खाली हैं उनमें भरने का इसको शुरुआत की जाएगी और 18 महीने भी इसलिए रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके आपको भर्तियां शुरू करनी है। जैसे मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में जाके वापस कितने रोजगार हमारे यहाँ पे खाली हो सकते हैं उनको भरने के लिए जानकारी जुटाकर और उसको आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। तो सभी मंत्रालय सभी डिपार्टमेंट्स इसमें काम करने वाले हैं। सारी डिटेल्स आपको आ भी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि सभी विभाग और सभी डिपार्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं और 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं और 18 महीने के अंदर देने की बात कर रहे हैं तो फोकस इसीलिए कि सभी डिपार्टमेंट्स में जो अभी खाली पद हैं उनको जितनी जल्दी हो सके भरा जा सके। आकाशवाणी से बातचीत में शिक्षाविद डॉ संत कुमार चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार के इस भर्ती अभियान से युवाओं को फायदा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सभी मंत्रालय के मानव संसाधन विकास के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है कि हमारे देश के अंदर अगले एक से डेढ़ वर्षों में 10 लाख से ज्यादा रोजगार मुहैया करवाने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इसके लिए हमारा पूरा देश का यूथ का आभारी है। भारत आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, इसमें मानव संसाधन का जो रोल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इस घोषणा के बाद युवाओं में उत्साह और खुशी देखी गई। रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं ने आकाशवाणी से बातचीत की। मैं जितेंद्र कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने अगले डेढ़ वर्ष में सरकार द्वारा 10 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी ऐसे निर्देश दिए। इस समाचार को सुनने के बाद मुझे अब नौकरी मिलने का अवसर निर्माण हुआ है ऐसे लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी वजह से मेरे जैसे अनेक युवाओं को भविष्य के लिए नौकरी के अवसर निर्माण होने वाले हैं। कोरोना कार्यकाल में नौकरी जाने की वजह से अनेक परिवार को समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब सरकारी नौकरी मिलने की आशा बढ़ गई है। नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। मैंने पढ़ा कि मोदी जी ने कहा है कि 10 लाख नौकरी वो अगले डेढ़ साल में देंगे,
तो इससे बहुत खुशी हो रही थी। और इसमें एक ऐड और करना चाहिए कि जो कुछ बच्चे कम्युनिटी एग्जाम दे रहे हैं उनको एज भी बढ़ा के देना चाहिए हर एक एग्जाम में, तो इसके वजह से वो जो बच्चे वो प्लान भी ढूंढ सकेंगे, क्योंकि जो क्लास वन क्लास टू वो उसके लिए पढ़ाई करते हैं उनको प्लान भी गवर्नमेंट जॉब्स में ही ढूंढना पड़ता है। इसके वजह से ये जो अभी अनाउंसमेंट हुई बहुत अच्छी है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है और इसके वजह से बहुत से लड़के देश की सेवा में अपना योगदान दे पाएंगे। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक। अग्निवीरों को 30 से 40,000 रुपए मासिक वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। सेवा निधि को आयकर से छूट मिलेगी। अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन के अन्य लाभ के पात्र नहीं होंगे। उन्हें 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। अग्निवीरों के लिए आयु सीमा 17 वर्ष 5 महीने से 21 वर्ष तक रखी गई है। सामान्य ड्यूटी सैनिक के लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं निर्धारित की गई है। पूर्व एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि अग्निपथ एक बड़ी परिवर्तनकारी योजना है। जो आज अग्निपथ स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये एक एचआर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी में बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है एंड बहुत फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म है। इसमें युवाओं के लिए एक ये बहुत अच्छा मौका है, ज्यादा युवा डिफेंस सर्विसेज में आ पाएंगे, वो डिफेंस सर्विसेज की लाइफ को जी पाएंगे और यहाँ पे आके उनको ट्रेनिंग मिलेगी 6 महीने की, उसके बाद 3.5 साल काम करेंगे, सो टोटल 4 साल एज अग्निवीर एंड वो डिफेंस के तौर तरीके सीखेंगे, डिफेंस का डिसिप्लिन, वर्क कल्चर, डिफेंस के मायने क्या हैं, कंट्री के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने के सरकार के फैसले की सराहना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में इसे नरेंद्र मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इस फैसले से देश का भविष्य उज्ज्वल होगा और सेना मजबूत होगी। श्री भाटिया ने कहा कि योग्यता के आधार पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। भारत वो देश है जहां विविधता में एकता पाई जाती है। जब भारत के हर हिस्से से जो हमारा भविष्य है, हमारे बच्चे, हमारे युवा सेना में जाने का अवसर पाएंगे तो ये हमारे देश को भी एक नई शक्ति, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आकाशवाणी से बातचीत में विष्णु ने कहा कि अग्निपथ योजना देश को समझने का एक अच्छा अवसर होगा। अग्निपथ स्कीम इज अ ग्रेट थिंग, लाइक अ लॉट ऑफ यूथ इज सेंट इन टू द आर्मी एंड दिस यूथ हु अंडरस्टैंड वॉट आर्मी इज एंड हु अंडरस्टैंड वॉट द हार्डशिप्स डू दी सोल्जर्स अंडर गो एंड वेन दीज पीपल नो दिस ओनली देन दे कैन मोल्ड और दे कैन बिल्ड अ न्यू सोसाइटी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में नए धोलेरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को विकसित करने की मंजूरी दी। इस हवाई अड्डे का संचालन 2025-2026 से शुरू करने की योजना बनाई गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह हवाई अड्डा रेलवे और राजमार्ग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ा होगा। हवाई अड्डे के पहले चरण पर 1,305 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और इसका निर्माण कार्य 48 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में प्रतिवर्ष 3 लाख यात्रियों के आवागमन का अनुमान है। श्री ठाकुर ने कहा कि 20 वर्षों में यात्रियों का आवागमन 23 लाख तक बढ़ने की उम्मीद है। इसमें दो तरह की सुविधाएं होंगी, एक और तो पैसेंजर्स के लिए भी एयरपोर्ट की सुविधा, दूसरी तरफ से कार्गो की सुविधा। ये अपने आप में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच गति शक्ति की प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने की है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कोचीन पत्तन प्राधिकरण को केंद्र सरकार के 446 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के पुनर्भुगतान पर 3 वर्ष के स्थगन की मंजूरी दे दी है। ये स्थगन वर्ष 2020 से 2023 तक के लिए है।
कोचीन पत्तन प्राधिकरण को वर्ष 2018-19 ऋण का पुनर्भुगतान 10 किस्तों में करना था। प्राधिकरण वर्ष 2018-19 और 2019-20 में देय किस्त का ही भुगतान कर सका। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 की किस्त का भुगतान नहीं किया जा सका था। मंत्रिमंडल ने जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले वे फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने के बारे में भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 5 भवनों और 21 मंजिलों वाले संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में विभिन्न बैठकों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिनिधि पहुंचते हैं। वे फाइंडिंग ऐप आगंतुकों को परिसर के अंदर मार्ग खोजने में मदद करेगा। जीपीएस आधारित ये ऐप कक्षों और कार्यालयों का पता लगाने में सहायक होगा। मंत्रिमंडल ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के बीच युवा कार्य के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर की स्वीकृति भी दी। युवा कार्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर सदस्य देशों के साथ पिछले वर्ष 17 सितंबर को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। एससीओ सचिवालय की आधिकारिक कामकाजी भाषा रूसी और चीनी है। समझौते का उद्देश्य एससीओ सदस्य देशों के युवाओं के बीच आपसी विश्वास, मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। गरीब सेवा के 8 वर्षों के प्रमुख प्रयासों पर प्रकाश डालने वाले लेखों को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने हमेशा गरीबों को प्रभावी और पारदर्शी सेवा देना सुनिश्चित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई का राजभवन पिछले दशकों में लोकतांत्रिक घटनाओं का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि ये राजभवन उन संकल्पों का भी प्रमाण है जिन्हें देश की भलाई के लिए शपथ के रूप में लिया गया था। श्री मोदी ने मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर में भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित दीर्घा क्रांति गाथा के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के नए आवास और कार्यालय भवन जलभूषण का भी उद्घाटन किया। राजभवन लोक भवन की तरह काम करेगा और प्रदेश की जनता के लिए आशा की किरण बनेगा। ये नया भवन महाराष्ट्र की समस्त जनता के लिए, महाराष्ट्र के गवर्नेंस के लिए नई ऊर्जा देने वाला हो। और जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि राजभवन नहीं लोक भवन है, वो सच्चे अर्थ में जनता जनार्दन के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए यहां के सभी बंधु बधाई के पात्र हैं। श्री मोदी ने कहा कि क्रांतिकारियों को इस दीर्घा में स्थान मिलने से देशभक्ति के मूल्यों को और मजबूती मिलेगी। इस भवन ने आजादी के समय गुलामी के प्रतीक को उतरने और तिरंगों को शान से पहरते हुए देखा है। अब जो ये नया निर्माण हुआ है, आजादी के हमारे क्रांतिकारी को जो यहां स्थान मिला है, उससे राष्ट्रभक्ति के मूल्य और सशक्त होंगे। साथियों, आज का ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी आजादी के 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये वो समय है जब देश की आजादी, देश के उत्थान में योगदान देने वाले हर वीर वीरांगना, हर सेनानी, हर महान व्यक्तित्व, उनको याद करने का ये वक्त है। महाराष्ट्र ने तो अनेक क्षेत्रों में देश को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के अवसर पर मीडिया से अधिक सकारात्मक खबरें प्रकाशित करने की अपील की। श्री मोदी ने मुंबई में एशिया के सबसे पुराने समाचार पत्र मुंबई समाचार के द्विशताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोविड महामारी के समय में उन्होंने कर्मयोगी की तरह काम किया। मीडिया की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान मीडिया ने कई सकारात्मक खबरें प्रकाशित की हैं, जिससे देश में सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत तुकाराम न केवल वर्तमान समाज के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी आशा की किरण हैं। प्रधानमंत्री ने आज पुणे के निकट देहू गांव में जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि वीर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में रहकर संत तुकाराम की अभंग यानी भगवान विट्ठल की स्तुति में भक्ति गीत गाए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत। दृढ़ संकल्प के साथ विश्व स्तर पर बुलंद छवि गढ़ रहा है भारत। करदाताओं के मजबूत इरादों और निरंतर योगदान से सफलता का गगन चूम रहा है भारत। उन्नति के मार्ग पर सबको साथ लेकर चल रहा है भारत। हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। जी हाँ, देश के तेज विकास के लिए हम सबका निरंतर योगदान बेहद आवश्यक है। इसलिए सभी करदाता वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून तक जमा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। वो एडवांस टैक्स की पहली किश्त का भुगतान 15 जून 2022 तक अवश्य करें और देश की तरक्की में साझेदार बने। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता, आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं FCAT एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉगिन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1-30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की 4 वर्ष की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित। प्रधानमंत्री ने मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर में भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित दीर्घा क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली के सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिन के आम महोत्सव का आयोजन किया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने लगातार दूसरी बार एशिया कप प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया और विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने 16 ओवर में 4 विकेट पर 144 रन बनाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज बंगलुरु की वैकुंठ पहाड़ियों पर बने इस्कॉन श्री राजाधिराज गोविंद मंदिर का लोकार्पण किया। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिकृति है। राष्ट्रपति ने मंदिर के दिव्य परिवेश और वास्तुकला की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचाते हैं। जस्ट एज देयर कैन बी मेनी वेज टू रीच द टॉप ऑफ द हिल, देयर आर डिफरेंट पाथ्स टू रियलाइज द सुप्रीम, सच एज ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग एंड भक्ति मार्ग। येट इन हिंदुइज्म यू नेवर नो वेयर वन एंड्स एंड अनदर बिगिंस, एज इफ दे आर ऑल इंटरलिंक्ड बाय देयर कॉमन फेथ इन द डिवाइन। भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों को बौद्ध मंत्रोच्चार और संगीतमय कार्यक्रम के साथ आज मंगोलिया में गदन मठके बसंत गांव मंदिर में रखा गया। यह अवशेष विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कल मंगोलिया पहुंचे। ये अवशेष राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए 22 अवशेष में से हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कई सदियों पहले बौद्ध धर्म की भावना भारत से मंगोलिया में पहुंची और अनमोल साझा विरासत बन गई। ये आध्यात्मिक संपर्क दोनों देशों के लोगों को आपस में बांधे रखता है। उन्होंने कहा कि ये अवशेष दोनों देशों के बीच अद्वितीय आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करते हैं। भारत ने पवित्र मंगोलियाई कांजूर के 108 खंड के 100 सेटों का पुनर्मुद्रण किया है। उन्होंने कहा कि इन्हें जल्द ही मठों और अन्य बौद्ध संस्थानों में वितरित किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज एकल खिड़की समाधान प्रणाली की परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। कोयला सचिव डॉ अनिल कुमार जैन ने नई दिल्ली में नए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये देश में कोयला खदानों के संचालन के लिए विभिन्न स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक मंच बनाने की दिशा में मंत्रालय का अभिनव प्रयास है। उन्होंने अधिकारियों से सभी हितधारकों से नए केंद्र का परिचय कराने के लिए बातचीत सत्र आयोजित करने का आह्वान किया।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिन के आम महोत्सव का आयोजन किया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और ओडिशा राज्यों से आम की 34 किस्मों की प्रदर्शनी बहरीन में 8 विभिन्न स्थानों पर लगाई गई है। ये प्रदर्शनी 20 जून तक चलेगी। मंत्रालय ने कहा कि आम महोत्सव 2022 के अंतर्गत बहरीन में भारतीय आमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की संभावनाओं का पता लगाने की एपिडा की नई पहल का हिस्सा है। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में आईओ टेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को ड्रोन नियमों के अंतर्गत पहला टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया। ये किसान ड्रोन विनिर्माण में देश की अग्रणी कंपनी है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत को वर्ष 2030 तक ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल 34 दिन में टाइप सर्टिफिकेट जारी करना इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का एक शानदार उदाहरण है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक। आज हम पन्ना सिंह का स्मरण कर रहे हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में अनेक बार अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। उन्होंने विद्रोहियों का एक समूह संगठित किया और ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमला किया। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां पारी और जागा जागा है सागर, जागो। एक मुठभेड़ के दौरान वे पकड़ लिए गए। उन पर सरकारी संपत्ति लूटने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। पन्ना सिंह को 1858 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मार्च 1859 में उन्हें बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 14 जून 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले इस महान सपूत को हमारी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मीर बहादुर अली को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे, लेकिन आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने अंग्रेजों की ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अन्य लोगों को भी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और दमनकारी कंपनी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए उन पर हमला करने को प्रोत्साहित किया। एक हमले के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 14 जून 1858 को मीर बहादुर अली का निधन हो गया। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। चौदह जून महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लाह बख्श की पुण्यतिथि है। अल्लाह बख्श लाहौर के रहने वाले थे। वे भी उन लोगों में शामिल थे जिनका हृदय जलियांवाला बाग की नृशंस घटना पर खून के आंसू रो रहा था। उन्होंने 11 और 12 अप्रैल 1919 को कसूर में पूर्ण हड़ताल में भाग लिया था। अचानक दो अंग्रेज सिपाहियों ने
भीड़ पर गोली चला दी। स्तब्ध और क्रुद्ध लोगों ने दोनों सिपाहियों को मार डाला। इस घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अल्लाबख्श 16 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किए गए। वे पंजाब में मार्शल लॉ के दौरान कसूर मामले में आरोपी थे। उन पर कसूर रेलवे स्टेशन पर आगजनी और दो अंग्रेजों की हत्या का आरोप लगाया गया था। मार्शल लॉ कमीशन ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 14 जून 1919 को फांसी दे दी गई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिवसीय यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। सम्मेलन में 200 से अधिक प्रतिभागी केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा क्षेत्र विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में राज्यों की भागीदारी से तेज और सतत आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग ज्ञान, कर्म और भक्ति का परिपूर्ण समन्वय है। श्री मोदी ने कहा कि योग तेज गति से सक्रिय विश्व के लिए अपेक्षित सहजता और शांति उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गंभीर रूप से घायल एक छात्र को कल बांग्लादेश में ढाका के एक अस्पताल से विमान द्वारा दिल्ली लाया गया। छात्र शोएब के पिता ने बताया कि उसे स्वदेश लाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त को इस बारे में हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने छात्र को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा। छात्र के पिता ने तत्काल कार्रवाई करने और उचित उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। भारत ने एशिया कप फुटबॉल के लिए लगातार दूसरी बार क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफायर्स के अंतिम मुकाबले में अब से कुछ देर बाद कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में भारत और हांगकांग आमने सामने होंगे। आज ग्रुप बी में फिलिस्तीन ने फिलीपींस को 4-0 से पराजित किया। फिलिस्तीन की जीत के बाद भारत ने क्वालिफाई कर लिया। एशिया कप का आयोजन अगले वर्ष 16 जून से 16 जुलाई के बीच चीन में होगा। विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे 2020 क्रिकेट मैच में भारत ने 18 ओवर में 4 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। असम की गुवाहाटी में लगातार वर्षा और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए हैं। बोरागांव क्षेत्र में भूस्खलन के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। यातायात अवरुद्ध है। जिला प्रशासन ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख लोगों की भर्ती मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने सैन्य बलों में युवाओं की 4 वर्ष की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित। प्रधानमंत्री ने मुंबई के राजभवन में ब्रिटिश काल के भूमिगत बंकर में भारतीय क्रांतिकारियों की एक नव निर्मित दीर्घा क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली के सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिन के आम महोत्सव का आयोजन किया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने लगातार दूसरी बार एशिया कप प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया और विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। सरकार की स्पीड, स्पीड की सरकार। देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा स्पीड से एम्स और आईआईएम्स का हुआ निर्माण। देश में बने 60 नए हवाई अड्डे। जो काम हुए हैं उन कामों को अगर लेखा जोखा ले तो आपको अचरज होगा कि देश की रफ्तार क्या है, गति क्या है, प्रगति कैसे आगे बढ़ रही है।
साठ साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण।